नमस्कार आदाब, टाइम 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक लूट चोरी करने वाले गिरोह यूपी पुलिस की नींद हराम रखते थे, मगर मेरठ में ऐसा वाक्य सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां मेडिकल थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक मामूली छिपकली ने रात के 3 बजे पुलिस को दौड़ा दिया, मगर जब सच सामने आया तो पुलिस ने माथा पकड़ लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र स्थित एक ATM में सायरन बजने के बाद बंद हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस बिना देर किए ATM पर पहुंची और जांच पड़ताल की, लेकिन जब सायरन बजने की सच्चाई सामने आई तो पुलिस के टेंशन भरे चेहरे खुशी से खिल उठे। एक न्यूज साइट से ली गई जानकारी के अनुसार मेरठ के PVS मॉल के पास एक ATM लगा है। शनिवार देर रात करीब 3 बजे अचानक ATM का सायरन बज उठा। नोएडा स्थित ऑफिस से तुरंत मेडिकल पुलिस को सूचना दी गई। बताया जाता है कि इंस्पेक्टर ने अपने क्षेत्र में सारे ATM दिखाए, लेकिन काफ़ी समय तक सायरन वाले ATM का पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने नौचंदी इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा को बताया कि ATM का सायरन बजा है, जो संभवतः उनके क्षेत्र में आता है। इंस्पेक्टर नौचंदी भी टीम के साथ निकल गए। PVS मॉल के पास उन्हें ATM भी मिल गया, लेकिन उन्होंने ATM को बंद करने की मशक्कत शुरू की। इसी दौरान एक छिपकली ATM से निकली और सायरन खुद बंद हो गया। बाद में पता चला कि जिस जगह ये ATM लगा था वह क्षेत्र मेडिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन थाने की फैंटम उसे ढूंढ नहीं पाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।